तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे हिडन प्लेस बताने वाले कि इन हिडन प्लेस का यूज करके एनमी को बहुत बहुत ज्यादा इजी किल कर सकते हो एंड एनमी को थोड़ा भी नहीं पता चला कि आप कहां पे हो एंड आपका लोकेशन कहां पे। सुपर 7 नंबर का हिडन प्लेस वर्क करता है यहां पे एंड यहां पे आपको मेन थ्रू ग्लो का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं ग्लो सेटअप करूंगा ना, आप भी सिंपल से टाइम में कर देना। देखो आपको यहां फर्स्ट वाला ग्लो यहां पे सेटअप कर देना एंड यहां पे सेकंड वाला ग्लो ना इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर देना एंड जब यहां पे दो ग्लो सेटअप कर लेते हो तो फटाफट रन करते करते यहां पे एक और ग्लो सेटअप कर देना एंड फटाफट रन करते करते ग्लो के ऊपर जंप कर लेना एंड जैसे जंप कर लेते हो फटाक से यहां जंप कर लेना एंड यहां से आते रन करते करते यहां फटाफट ग्लो के ऊपर जंप कर लेना एंड यहां से आपको छोटा सा मिनिमम एक थोड़ा लॉन्ग जंप लेना पड़ेगा एंड जैसे मैं लॉन्ग जंप ले रहा हूं ना, आप भी बहुत इजी ऐसे ले सकते हो एंड यहां पे जंप करते करते बहुत इजी ऊपर आ जाओगे एंड जब यहां पे ऊपर आ जाओगे तो यहां से बहुत बहुत इजी एनिमी किल कर सकते हो। एंड ये ट्रिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में करके जरूर से बता देना, क्योंकि ये ट्रिक ना भाई मैं कोई भी नहीं बताया अभी भी पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में फर्स्ट में ही बता रहा हूं। तो चलिए यार ये ट्रिक जरूर से कमेंट कर बताना ये कैसे लगा। नेक्स्ट वर्क करता है यहां पे एंड यहां पे आपको मिनिमम थ्री ग्लो का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं सेटअप कर रहा हूं अभी फटाफट ग्लो सेटअप कर लेना एंड यहां से फटाक से जंप करके एक के बाद एक जंप करके ग्लो को बहुत इजी जंप करके यहां पे आ जाओगे एंड यहां पे स्कोप ओपन करके जंप कर लेना एंड यहां से बहुत इजी इस रूप ऊपर आ जाओगे एंड जब यहां पे आ जाओगे तो एनिमी को बहुत इजी से किल कर सकते हो। एंड बहुत सारे बंदे ये भी बोलते हैं कि भाई आप इतना फास्ट ग्लो सेटअप कैसे कर लेते हो। भाई देखो मुझे यार ग्लो सेटअप करते करते बहुत ज्यादा आदत हो गई है एंड मैं किसी भी प्लेस पे जाता हूं ना तो बहुत इजी मेरा माइंड काम कर देता है कि कैसे ग्लो सेटअप करना है कैसे सेटअप नहीं करना। तो मैं एक ही बार में ग्लो सेटअप बहुत ज्यादा सही तरीके से कर लेता हूं एंड इसीलिए बहुत ज्यादा फास्ट ट्रिक का यूज करता हूं एंड बहुत फटाफट ट्रिक का यूज कर लेता हूं तभी मैं बहुत इजी किसी भी ट्रिक को यूज कर पाता हूं। सो फिर नेक्स्ट वर्क करते हैं यूएल प्लेस पे एंड यहां पे आपको मिनिमम थ्री ग्लो का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं ग्लो सेटअप कर रहा हूं अभी फटाफट ऐसे ग्लो सेटअप कर लेना, एक ग्लो जो को नीचे सेट करना है एंड दूसरा ग्लो ना एक ऊपर सेट करना है एंड जैसे मैं यहां पर रन करके आ रहा हूं ना फटाफट आप भी ऐसे रन करके आ जाना एंड देखो ये ग्लो ग्लो का सेटअप ना थोड़ा सा आगे होगा तो इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे आ जाना है एंड यहां पर ग्लो को जंप करते करते ऊपर आ जाना एंड जब यहां पर ऊपर आ जाओगे ना तो हर एक बंदे का बहुत ईजी लोकेशन देख लोगे एंड अपने टीममेट को फुल सपोर्ट करके यहां से बताओगे कि भाई ये बंदा यहां पे है ये बंदा यहां पे है एंड एनमी को भी बहुत ईजी यहां पर से किल कर सकते हो। बट एनमी को बहुत ईजिली पता नहीं चलेगा कि तुम यहां पे हो क्योंकि तुम यहां पे पूरा कवर में रहोगे एंड बहुत ईजी एनमी को डैमेज करके उनको किल करते रहोगे एंड यहां पे देखो भाई एक नहीं दो दो बंदे को बहुत ईजी किल कर दिया था एंड लेकिन लास्ट में ये हो जाता सिचुएशन हो जाता है ना कि भाई यार वो बंदा पता नहीं कैसे वो रिवाइव हो जा रहे थे, वो दिमित्री का यूज कर रहे थे लेकिन पता नहीं कैसे वो रिवाइव हो गए एंड जैसे वो रिवाइव होते हैं ना तो मैं क्या करता हूँ फटाफट इतने नीचे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जोन आ जाता है एंड मेरी टीममेट बहुत बहुत ईजी ने एनमी किल कर दिया है। यहाँ पे देखो मैं बैठ कर मेडिटेट कर ही रहा था फटाक से एक एनमी आता है तो यहाँ पे मैं दिमित्री ऑन कर देता हूँ एंड जैसे मैं दिमित्री ऑन करता हूँ ना भाई मेरे टीममेट बहुत ईजी उस एनमी को किल कर देता है। नेक्स्ट वर्क करता है यूएल प्लेस पे एंड देखो जैसे मैं आप रन करते करते जा रहा हूँ ना आपको कुछ नहीं करना, बहुत बहुत ज्यादा ये सिंपल ट्रिक है। देखो यहाँ पे कार के ऊपर जंप करना है, थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा एंड यहाँ पे जंप करते करते बहुत ईजी आ जाओगे एंड जब यहाँ पे आ जाओगे ना तो मैं सच में बता रहा हूँ बहुत बहुत ईजी एनमी किल कर दोगे। लेकिन देखो अगर एनमी कभी कैसे किल करोगे आपको हेडशॉट ही मारने का ट्राई करना है, अगर ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट मारोगे ना तभी बहुत ईजी एनमी को डाउन कर पाओगे। नहीं तो देखो यहाँ पे अगर रह करना बॉडी थोड़ा बॉडी बॉडी डैमेज दोगे ना तो वो बंदे आपको देख लेंगे लेकिन यहाँ पर अगर हेडशॉट मारने को ट्राई करते हो ना तो बहुत ईजी मैच को विन करा सकते हो एंड यहाँ पे रहकर मैं दो बंदों को बहुत ईजी किल कर देता हूँ एंड जब यहाँ बंदे नहीं आते ना तो मैं आगे आता हूँ अपने टीममेट पास जाकर दिमित्री ऑन करके फटाफट यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे खड़ा होकर देखने लगता हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी मैच को विक्ट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्क करता है पीक पे एंड सॉरी पीक पे नहीं पूछी नोक पे एंड जैसे मैं बता देना चाहता हूँ ये ट्रिक ना अगर छोटा सा मिस्टेक करोगे ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। देखो फटाफट रन करते करते आपको आगे बढ़ते रहना है एंड जब इस साइड आ जाते हो ना तो फटाक से आपको विंडो से बाहर निकल जाना है एंड कैसे मैं बता रहा हूँ अगर ये ट्रिक ना ओनली प्रो प्लेयर कर पाएंगे, कोई ऐसा वैसा प्लेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि देखो इस प्लेयर पर सही से आपको जंप करना पता है एंड सही से जंप नहीं कर पाओगे ना तो सीधे नीचे ही गिरोगे एंड जब यहाँ पे आ जाते हो ना तो बहुत ईजी एनमी को डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दोगे एंड उनको बहुत ईजिली किल कर पाओगे एंड अपने टीममेट का फुल सपोर्ट करोगे एंड कैसे देखो आप यहाँ पर सोच रहे हो भाई तू कैसे डैमेज हो गया डाउन हो गया लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ देखो मैं यहाँ पर दिमित्री ऑन कर लेता ना इसमें खुले में खेल रहा था एंड खुले में इसलिए निकले ना कि वो बंदा थोड़ा सा बाहर निकले लेकिन ये बंदा बाहर निकलता ही नहीं है एंड इसलिए यहाँ पर मेरे टीममेट बहुत इजी से किल कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्क करता है फैक्ट्री पे एंड कैसे देखो यहाँ पर मैं जंप करके आ चुका हूँ एंड कैसे मैं बता देना चाहता हूँ ट्रिक एंड टिप्स हमको कब यूज करना चाहिए।
पर देखो जब भी मैच खेलते हो ना, ये नहीं सीधे मैच जाके टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करो, नहीं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना कि मैच के हिसाब से आपको देखकर खेलना होता है। एंड गाइस देखो यहाँ पे बहुत इजी में यहाँ पे जंप करके आ जाता हूँ, एंड मैं मैच के हिसाब से खेलता हूँ कि देखो अगर उस साइड एनिमी थे ना तो इसलिए फटाफट जंप करके यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे ऊपर रहता हूँ एंड बहुत इजी बंदों को हेडशॉट मारता हूँ। तो देखो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे जाकर ओनली टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करना, नहीं आपको मैच जैसे कंडीशन में चलता है ना, जैसे मैच चलता है ना उसके हिसाब से खेलना है, ये नहीं कि सीधे डायरेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज कर लो, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट वर्क करता है रियल प्लेस पे, एंड यहाँ पे देखो फैक्ट्री रियल प्लेस होने वाला है, यहाँ पे आपको मिनिमम 3 ग्लू का यूज करना पड़ेगा एंड ये ट्रिक मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये ट्रिक ना अभी भी बहुत ज्यादा चल रहा है एंड इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये ट्रिक बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है, आप लोग बिल्कुल से यूज मत करना, अगर आप लोग मेरी ऑडियंस हो तो इसे बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि देखो जब तक 3 ग्लू यूज करोगे ना, जब तक 3 ग्लू सेटअप करोगे ना, तब तक आपको बंदा बहुत ईजी क्लिक कर देगा एंड आपको अगर ये ट्रिक यूज करना ही नहीं है। एंड अगर आपको रियल प्लेस में जाना है ना तो मैं बहुत ईजी एक और सिंपल ट्रिक बता दूंगा, लेकिन देखो ये ट्रिक कैसे वर्क करता है मैं आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ एंड ये ट्रिक भाई बहुत बहुत ज़्यादा डेंजर है। देखो फटाफट जैसे मैं ग्लो लगाया हूँ ना, आपको ऐसे कुछ लगा लेना है, अगर आपके सामने एनिमी ना हो तभी इस ट्रिक का यूज करना। यहाँ पे आने के बाद भी जो भी आने लगता है तो यहाँ पे आप खेल नहीं पाओगे, तो इस ट्रिक को यूज बिल्कुल भी मत करना। एंड गाइस देखो अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो क्या करो सब्सक्राइब जैसे कर देना एंड थैंक।